हेलो दोस्तों, ये मेरी बालकनी का एक छोटा सा व्यू देखिए आप। मैंने सबसे पहला वीडियो अपना इसी बालकनी में बनाया था और आज मैं अपने सारे पेड़ों की कटिंग वटिंग करूँगी। अब ये देखिए, मेरा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, बहुत लंबी लंबी इधर उधर को निकल रही हैं। आज मैं इनकी कटिंग कर दूँगी क्योंकि फिर ये टेढ़ा भी होने लगा प्लांट। और ये जो हम डंडियां निकाल रहे हैं, इन्हीं डंडियों से एक नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। ये डंडियां वेस्ट नहीं जाएंगी, इन्हीं से नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये मेरी टर्टल वाइन का पेड़ देखिए कितनी लंबी हो गई है, पूरे रैक को कवर कर लिया है। मैं इसकी भी कटिंग करूँगी आज। ये देखिए, ये कितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेज निकल रही है। ये कटिंग करके मैंने इसे छोटा कर दिया। ये बरसात के टाइम पे एकदम से बढ़ते हैं पेड़, देखिएगा। अब दूसरा पेड़ जो है, ये मेरा है स्नेक प्लांट, ये मैंने कितने छोटे से उसमें लगा रखा है और चल रहा है। ये देखिए, इस सारे गमलों में सारी ब्रांचेज इतनी बड़ी बड़ी बेतरतीब हो रही हैं, सबकी कटिंग हो रही है। ये जितनी भी डंडियां, इनसे सब नए पेड़ तैयार कर सकते हैं हम। कटिंग से सारे ग्रो करके मैं दिखाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें इन सारी कटिंग्स को आपको ग्रो करना सिखा दूंगी। बरसात के टाइम पे तो बहुत अच्छे से ग्रो जाती हैं। देखिए, ये देखिए, इसकी कटिंग भी हो गई। ये मेरी बेटी का एक बुक रैक था, अब वो जब बाहर से आई तो अब ये खाली पड़ा हुआ था, मैंने इसी में अपने सारे गमले लगा दिए। ये अजवाइन का प्लांट है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। आप इसको ज़रा सा हाथ लगाएंगे पत्तों पे और हाथ में आपके सारी खुशबू आ जाएगी। इसकी कटिंग से भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। आप इसकी जो छोटी सी भी कटिंग अगर कहीं गमले में लगा देंगे तो एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। मैंने भी ये कहीं से लिया था, बहुत अच्छा प्लांट है। इसके पत्ते भी वेस्ट नहीं होंगे, सुखा के मैं ऑरिगेनो के रूप में घर में काम आएंगे। इन सब की कटिंग का मैं दिखाऊंगी आप। ये देखिए टर्टल वाइन, ये मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में लगे हुए हैं, कितने ज़्यादा लंबे हो गए हैं, बिल्कुल बाबा जी की दाढ़ी की तरह बढ़ रहे हैं। इनकी कटिंग कर रही हूँ मैं, और इनकी जो कटिंग है, जितना वेस्ट निकल रहा है, ये भी मैंने एक वीडियो बना के डाला है इससे पहले, किचन कंपोस्ट वाला, सारा उसमें यूज़ हो जाता है, कुछ बेकार नहीं जाएगा। देखिए बारिश के मौसम में, ये देखिए आप, बारिश का पानी लगते ही कितनी तेज़ी से और कितनी लंबी लंबी इनकी ब्रांचें हो गई हैं। ये टर्टल वाइन तो इसमें अगर आप एक डंडी में से छोटे छोटे टुकड़े करके भी लगा देंगे तो ये पूरा गमला तैयार हो जाएगा। आप एक गमले से कई गमले तैयार हो सकते हैं इसके। और ये जो कटिंग है, ये वेस्ट नहीं जाती है, सब हमारी कंपोस्ट में काम आ जाती है। नहीं तो फिर कोई गमला अगर आपको नया भरना है, बैग, ग्रो बैग तैयार करना है, तो उसमें हम ये सुखा के और इसकी नीचे लेयर लगा देते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल के भर देंगे तो एक बड़ा गमला आसानी से उसमें कम मिट्टी में तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितनी सारी कटिंग निकली है, अब ये सब कंपोस्ट बन जाएगा इन सब का। और ये मेरा शिमला मिर्ची का पेड़ है, जो 1.5 साल पहले मैंने लगाया था, इसमें अब छोटी छोटी मिर्चियाँ आ रही हैं, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी आती थी। काफ़ी पुराना पेड़ हो गया है, इसकी जड़ें भी बहुत वैसी गहरी हो गई हैं। डंडी देखिए कितनी हार्ड हो गई है, इसे मैं निकाल दूंगी और इसकी जगह पर नए पेड़ लगाएंगे। अब वैसे तो शिमला मिर्ची के और पेड़ भी है मेरे पास, सही रहता है घर में लगा लो तो ऑर्गेनिक सब्जी अपने खाते रहो। ये पेड़ काफ़ी पुराने हो गए हैं तो अभी इन्हें निकाल के मैं नए पेड़ लगाऊंगी शिमला मिर्च के। काफ़ी गहराई में है इसकी जड़, मिट्टी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। देखिए काफ़ी गहराई में है इसकी जड़ें। वैसे तो इसमें शिमला मिर्च आ रही थी लेकिन साइज बहुत छोटा हो गया था, इसलिए मुझे ये निकालने पड़ रहे हैं।
ये निकल गया। इसकी मिट्टी जब थोड़ी सूख जाएगी तो मैं मिट्टी निकाल लूंगी इसकी। ये देखिए, ये मेरी छत का व्यू है, वो बालकनी थी। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसकी टहनी भी इधर उधर जो जा रही है वो मैं काट कटिंग करती जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा खरबूज की बेल, अब तो सीजन भी नहीं है लेकिन इसमें फिर भी छोटे छोटे खरबूज आ रहे हैं, लेकिन अब सीजन ऑफ हो गया तो मैं ऐसे निकाल रही हूँ। हालांकि इसमें छोटे छोटे दो तीन खरबूज अभी लगे हुए हैं, लेकिन अब इसे निकाल कर थोड़ा इसके गमले को भी मिट्टी को भी रेस्ट मिलेगा। ये निकाल दूंगी मैं, सीजन तो है नहीं खरबूज का। तो फिर मैंने जितनी भी घर में वेस्ट चीज़ें सब यूज़ की हैं। ये देखिए बाल्टी, बाथरूम की बाल्टी है, उसमें भी मैंने इसको खरबूज की बेल को लगाया हुआ था, बहुत अच्छी चली थी। और इसी बाल्टी में मैंने बेल के बीज डाल दिए थे, टमाटर के बीज डाल दिए थे। ये देखिए बेल पत्र के कितने सारे पेड़ निकल आए हैं। अब मैं थोड़े इधर उधर बांट दूंगी और एक अपने लिए रख लूँगी। ये देखिए टमाटर के प्लांट, तुलसा जी, बेल पत्र, इसमें सब निकल रहा है। आपको जी बीच में बोतल दिख रही है, ये इसमें मैंने अपना जो किचन वेस्ट होता है वो डालती रहती हूँ। ये मैं आपको एक गमले में बनाकर दिखाऊंगी कैसे बोतल लगाते हैं, उसमें कैसे किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये निकल गई मेरी खरबूज की बेल, इसके साथ में मेरा टमाटर का पेड़ भी निकल आया, इसे मैं दोबारा से लगा दूंगी इसमें। जब ये बड़े हो जाएंगे टमाटर तो मैं इनको अलग ग्रो कर दूंगी। अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर मैं इन पेड़ों को सबको अलग कर दूंगी। ये देखिए किचन कंपोस्ट, ये मैंने मिट्टी के बीच में बोतल लगा रखी है काट के, उसी में मेरा किचन का वेस्ट जाता रहता है। इसमें हमें फिर जल्दी जल्दी अलग से खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा डेली किचन वेस्ट इसमें हम डालते रहेंगे। और ये है हमारे घर के पीछे का व्यू, ये है मेरा आंवले का पेड़, इसकी एक ब्रांच नीचे से अलग जा रही है, उसको भी मैं कट कर रही हूँ। अगर मैं इस ब्रांच को अलग नहीं करूँगी तो ये बहुत बेतरतीबी से फैल रहा है, अब इसकी थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी इसकी जड़ में।